ये कहानी है झारखंड के पाकुड़ जिले की, जहां मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ पाए जाते हैं। जयवीर सिंह एक व्यापारी था जो पाकुड़ से मुल्तानी मिट्टी इकट्ठी करके दूसरे बड़े शहरों में बेचा करता था। हर हफ्ते जयवीर सिंह अपनी बैलगाड़ियों पर मुल्तानी मिट्टी लाद दिया करता था। सहदेव, आज से तुम भी मेरे साथ व्यापार करने चलोगे? जयवीर अपने पोते को व्यापार सिखाने लगा। वो लोग अपनी मुल्तानी मिट्टी की बैलगाड़ियां लेकर पाकुड़ से रांची जा रहे थे। सहदेव, हम रांची पहुंचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे, वहां जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेचेंगे और फिर रांची के बाजार में जाएंगे। ठीक है दादाजी। उनकी बैलगाड़ी धनबाद के बाजार पहुंची। वहां जयवीर सिंह ने एक व्यापारी को 10 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। सहदेव, इन खाली बोरियों में हम यहाँ का काला नमक भर लेंगे और फिर इसे भी रांची में बेच देंगे। ठीक है दादाजी। सहदेव ने खाली बोरियों में काला नमक भरना शुरू किया और फिर उन बोरियों को उसने बैलगाड़ियों पर लाद दिया। अच्छा ये बताओ, हमने बोरियों में काला नमक क्यों भरा? शायद इसकी रांची में मांग होगी। मांग इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर हम बोरियां खाली ले जाए तो इस बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा और इन्हें बेचकर जो कुछ भी मिल जाए वो हमारा मुनाफा ही तो होगा। समझ गया दादाजी। इसके बाद वो लोग सीधे रांची के बाजार में रुके, जहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी 10 सिक्कों के दाम से और नमक की बोरियां बेची 5 सिक्कों के दाम से। अगले कुछ महीनों तक जयवीर सिंह अपने बड़े पोते सहदेव को अपने साथ व्यापार पर ले जाया करता था। सहदेव भी व्यापार करना अच्छे से सीख रहा था, लेकिन फिर अचानक जयवीर सिंह की तबीयत खराब रहने लगी। दादाजी आपको आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन तुम अकेले कैसे व्यापार करोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, छोटू है ना, और इस बहाने वो भी काम सीख जाएगा। चलो ठीक है, पर संभल कर जाना और जैसा सिखाया है वैसा ही करना। ठीक है दादाजी। अगली सुबह सहदेव और छोटू दोनों बैलगाड़ियों पर निकल पड़े कुछ दूर चलकर। छोटू, हम रांची के बाजार पहुंचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे। और वो क्यों भैया? वहाँ जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेच देंगे। अच्छा अच्छा। दोनों भाई धनबाद में रुके और उन्होंने वहाँ 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। चलिए भैया रांची चलते हैं। अरे रुको, आधी बोरियां बिक गई है और इन आधी बोरियों से बैलों का संतुलन बिगड़ जाएगा, हमें बची हुई बोरियों में काला नमक भरना होगा। ठीक है भैया। दोनों भाई मिलकर बोरियों में काला नमक भरने लगे, तभी एक आदमी उनके पास आया। भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेचनी है और उन 12 बोरियों में काला नमक भर रहे हैं। और वो क्यों? बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखने के लिए। लगता है तुम दोनों के दोनों बेवकूफ हो। अगर बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखना है तो बची हुई बोरियों को आधा आधा बांट लो। अपने बैलों पर बेकार का भार क्यों लाद रहे हो? आपका सुझाव तो अच्छा है। श्रीमान, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं भी एक व्यापारी हूँ, शहर आया था व्यापार करने, लेकिन 2 महीने में जो कुछ भी मैं लेकर आया था वो सब का सब डूब गया। अब अपने गांव वापस लौट रहा हूँ। ठीक है श्रीमान, लेकिन हम अपने बैलों पर भरी हुई बोरियां ही ला देंगे। अजीब मूर्ख हो। वो आदमी वहां से चला गया और सहदेव और छोटू ने बैलों पर बोरियां लाद दी। वो लोग बैलगाड़ी पर सवार हो गए। भैया, हमने उस आदमी की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि उस आदमी का सुझाव तो अच्छा था, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं थे। मतलब वो आदमी व्यापार करने शहर आया था, लेकिन उसके सारे रुपए डूब गए। मतलब उसका नतीजा गलत था। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कैसे मान ले जो खुद ही गलत हो? दोनों भाई रांची पहुंचे और वहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी। फिर कुछ देर बाद एक राजसेवक उनके पास आया। क्या तुम लोगों के पास धनबाद का काला नमक है? जी सरकार। ये लो और सारी बोरियां सिपाहियों को दे दो। सहदेव ने जब वो पोतली देखी तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सरकार, कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, राज पुरोहित जी ने कहा है राज यज्ञ होने से पहले पूरे राज्य को धनबाद के काले नमक से साफ किया जाए। छोटू और सहदेव बहुत ही खुश थे। सिपाही सारी बोरियां लेकर चले गए। भैया आज तो गजब हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। हाँ भैया,
अगर आज हम उस आदमी की बात मान लेते तो हमें ये सोने के सिक्के नहीं मिलते। दादाजी ने ही मुझे समझाया था कि किसी से भी मशवरा लेने से पहले ये जान लो कि क्या वो व्यक्ति मशवरा देने के लायक है भी या नहीं। ये कहानी है रूपा की। रूपा के पति को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। रूपा का एक बेटा था चिराग, और रूपा अपने माँ के साथ रहा करती थी। चिराग हमेशा अपनी नानी के पास ही रहा करता था, और चिराग की नानी घर का सारा काम करते हुए उसके साथ बातें भी किया करती थी। नानी माँ, बाबा को क्या हुआ था? उनका एक्सीडेंट हुआ था बेटा। फिर उनका इलाज क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। नानी माँ, मेरे सारे दोस्तों के पापा उनके साथ खेलते हैं, एक मैं ही हूँ जो अकेला रह जाता हूँ। माँ को भी किराने की दुकान संभालनी होती है। बेटा, अगर वो दुकान नहीं संभालेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? वो भी है। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के संग खेलने। ठीक है, जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर चले आना। घर की सारी जिम्मेदारी नानी पर थी और रूपा दुकान में व्यस्त रहती थी। नानी माँ और रूपा के दिन भर व्यस्त होने के कारण स्कूल के बाद चिराग को दोस्तों के साथ खेलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ऐसे ही एक शाम चिराग खेलकर घर लौट आया। मेरे सारे दोस्त घर चले गए, मैं बोर हो चुका हूँ। तो तुम अपने माँ की मदद क्यों नहीं करते दुकान चलाने में? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चिराग दुकान पर पहुँचा। माँ, तुम यहाँ? हाँ, नानी माँ ने बोला है आपकी मदद करने के लिए। अच्छा है, आओ इधर। तुम यहाँ गल्ले पे बैठो और ग्राहकों से पैसे लो। ठीक है माँ। दीदी, 10 किलो चावल तोल दो। अभी लाई भैया। चिराग, इनसे 100 रुपए ले लो। इस तरह रूपा ग्राहकों को सामान देते जा रही थी और चिराग पैसे लेते जा रहा था। अब अंधेरा हो चुका था और ग्राहक भी जा चुके थे। चलो अब दुकान बंद कर देते हैं। चिराग और रूपा ने दुकान बंद की और घर की ओर चल पड़े। नानी माँ, मैं आ गया। आ गया तू? नानी माँ, पता है आज मैं गल्ले पे बैठा था। माँ सबको सामान दे रही थी और मैं पैसे ले रहा था। अच्छा? हाँ माँ, इसके आने से मेरी अच्छी मदद हो गई। देखा, मैंने कहा था ना चिराग, अब कल से तुम रोज माँ की मदद करना। हाँ नानी माँ। और अगले दिन से चिराग रोज रूपा की मदद करने पहुँच जाया करता था। एक दिन दुकान पर चिराग का दोस्त आया। अरे रवि, तू यहाँ? ये मेरी ही दुकान है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगले दिन से स्कूल के बाद रवि रोज चिराग से मिलने लगा। क्या दोस्त, कैसा है? बहुत अच्छा। रवि चिराग से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा। चिराग और रवि अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो साथ में घूमा करते और हंसते खेलते रहते थे। क्या यार, तेरी दुकान है और तू एक चॉकलेट भी नहीं लाता? बस चॉकलेट्स ना, कल से रोज चॉकलेट्स ले आऊंगा। और अगले दिन से चिराग दुकान से चॉकलेट चुराने लगा। रवि और चिराग रोज चॉकलेट खाने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रूपा का ध्यान चॉकलेट्स पर पड़ा। ये चॉकलेट्स रोज रोज कम क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन रूपा ने चॉकलेट्स के डिब्बे पर ध्यान दिया। तब उसने देखा कि चिराग ने 2 चॉकलेट्स निकाली और अपनी जेब में रख ली। कुछ देर बाद चिराग दुकान से निकला और आज रूपा ने उसका छुपके से पीछा किया। रोज की तरह आज भी चिराग रवि के पास गया और दोनों साथ में चॉकलेट खाने लगे। तभी रूपा सामने आई। तो ये मामला है? वही मैं सोचूं रोज के रोज चॉकलेट जाते कहाँ है। तू चल घर चल, तुझे सबक सिखाती हूँ। वो माँ। रूपा ने चिराग के कान पकड़े और उसे कान से पकड़कर घर ले आई। आज तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। रूपा, ये क्या कर रही हो? माँ, ये रोज दुकान से चॉकलेट चुरा कर अपने दोस्त के साथ खाता है। आज मैंने इसकी चोरी पकड़ ली और आज मैं इसे सजा दूंगी। रुको रूपा। माँ, अंदर जाओ, मैं चिराग से बात करती हूँ। रूपा अंदर चली गई। ये क्या है चिराग, तुमने ये सब क्यों किया? वो नानी माँ, वो रवि। चिराग ने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया। चिराग, रवि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो क्या तुम्हें वो चोरी करने की सलाह देता? नहीं नानी। तो ऐसे मतलबी दोस्तों से दूर रहो और अपनी माँ से माफी मांगो।
माँ मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। उस दिन चिराग ने अच्छा सबक सीख लिया, चोरी और बुरी संगति करना छोड़ दिया।